नमस्कार। नए बने कृषि बिल कानून के खिलाफ लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13 दिनों से जो हिंदुस्तान के किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि सरकार ये जो नया कानून लेकर आई है उस कानून के खिलाफ, और उसी को लेकर आज 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जहाँ पे इस समय हम लोग सिवान के जेपी चौक पर पहुंचे हुए हैं और कई सारे राजनीतिक दल के नेता हैं जो कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। सदर विधायक और बिहारी चौधरी की बात करिए, या बड़हरिया विधायक बच्चा पांडे जी, या फिर राजद के कई सारे नेता हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सदर विधायक, सबसे पहले और बिहारी चौधरी जी से बात करेंगे। सर, आप लोग आज भारत बंद के समर्थन उतरे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देश में आज बंदी है और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, अन्य जो वामपंथी पार्टियां हैं, या किसान के अहित पर आवाज़ उठाने वाली पार्टियां हैं, तमाम लोग का यह एक संयुक्त यह जो है अभियान चला हुआ है और तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश में बंदी है, राज्य में बंदी है, सिवान में बंदी है। जिस तरह से सर लगातार बंदी है आज, और 13 दिनों से जो किसान है भारत का आंदोलन में बैठे हैं, बावजूद इसके आपने देखा होगा कि एक मंत्री या केंद्र सरकार का उनका बयान आया है कि हम अपने इस बिल को वापस नहीं लेने वाले हैं, इसको कैसे देखते हैं? यह सरकार जुल्मी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, श्रमिक विरोधी सरकार है, बेरोजगार छात्रों के अहित करने वाली सरकार है, व्यवसायी बेचारे जीएसटी से और तरह तरह के जो शासनिक उस पर हमले हो रहे हैं वो भी दुखी है। इसलिए वो माने नहीं माने, अंग्रेज बड़ी शक्तिशाली थे और उनको पूज्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश जब खेत से खलिहान तक खड़ा हुआ तो वह पावरफुल जो शासन था उसको सरेंडर करना पड़ा। तो देश में जब आंदोलन शुरू हो गया है तो ये एनडीए सरकार क्या है? ये तो चोरी डकैती करके सत्ता में बैठने वाली सरकार है। इसलिए हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, इनको भगाएंगे और किसान के हित में, छात्रों के हित में, बेरोजगारों के हित में सरकार बनेगी और देश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल। सर, बेहद अहम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। छोटे छोटे घटनाओं पे मोदी जी ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन 13 दिनों से जब किसान इस कड़कड़ाती उठन में बैठे हैं, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि मोदी जी? मैं कह रहा हूँ कि वह आदमी जो है जनता के वोट से उप प्रधानमंत्री नहीं बना है, वो जो है कॉन्स्पिरेसी करके वह मत को, मैंडेट को लिया है और सरकार में बैठे हुए हैं। इसलिए वह आदमी को हम कहते हैं कि वह आदमी अहंकारी है। बहुत सारे आज़ादी के बाद देश में प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस तरह के अहंकारी प्रधानमंत्री और इस तरह के झूठ को सांच में बदल देने वाला प्रधानमंत्री हम नहीं देखे जो हमारा उम्र है। इसलिए वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोले, देश बोल रहा है, देश के जो आबादी है बोल रही है, देश के सभी वर्ग के लोग बोल रहे हैं कि यह काला कानून है, इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, अगर रद्द नहीं करोगे तो हम पूरे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके सरकार के चक्का को हम लोग जाम करने का काम करें। सर, ये तो ये सिवान से राजद के सदर विधायक और बिहारी चौधरी थे जो बड़ी बेबाकी से कह रहे थे कि ये जो नया कानून है ये काला कानून है और सरकार को वापस लेना होगा, क्योंकि किसान के साथ साथ आज युवा भी, जो भी दुकानदार हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, वो भी सड़क पर उतर चुके हैं, इसलिए सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। बहुजन विधायक राजद से बच्चा पांडे जी हैं। बच्चा पांडे जी, आज आप उतरे हुए भारत बंद के समर्थन में क्या कहेंगे? देखिए, सारे गठबंधन, महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, सारे हम लोग एकजुट होके काला कानून के खिलाफ रोड पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जोर तोड़ से रोड पर अपना बंदी का काम कर रहे हैं, जो कि कानून वापस हो जाए, किसानों की हित की बात हो जाए, किसान खुशहाल रहे और जिसकी बीज जो भी सामग्री है वो सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए, किसान की जो भी परिवार है खुशहाल रहे, आम जनता खुशहाल रहे, नौजवान खुशहाल रहे, शिक्षा भी शरण सीमा पर जो धांधली हो रहा है उसका भी निर्वारण किया जाए। इसके साथ जितना भी भारतवासी के किसान है
आज 10 दिन से आप देख रहे हैं कि रोड पर जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है और सरकार चाह रही है कि मैं जनता के हितों को घोट गला घोट के और अपने सत्ता पर काबिज रहें और किसानों को न्याय नहीं दें। अच्छा पांडे जी थे हमारे साथ यहाँ पे, लीलावती गिरी जी भी मौजूद हैं, महिला हैं, हम इसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है किस तरह से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सड़क पर दिनों से, तादू सरकार सुनने को तैयार नहीं, कैसे? मैं यही कहना चाहूंगी कि यह गुंगी बहरी सरकार है जो किसानों के खिलाफ काला कानून पास करने का काम किया है। इसके विरोध में पूरा भारत बंद है, सिवान बंद है, बिहार बंद है, और जब तक यह हमारी मांग पूरी नहीं होगी किसानों की, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। नहीं, सरकार तो बिल्कुल वही कहे कि सरकार बिल्कुल गहरी बहरी है, गूंगी है, यह किसानों की समस्या नहीं सुनना चाह रही है, जिसकी अन्न खाती है, जिसे पेट भरता है, उन सभी लोगों का, पूरा भारत के लोगों का, उनकी समस्या न सुनना हम उन मने यह बहुत दुखद है, उनकी समस्या सुननी चाहिए, और जब तक उनकी समस्या नहीं सुनेगी, जब तक यह काला कानून रद्द नहीं करेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, तो ये लीलावती गिरी जी थी जो साफ तौर पर आपको बता दे कि कह रही हैं कि जब तक तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले जा सकता। हालांकि किसान बार बार कह रहे हैं ये जो कानून बना है ये काला कानून है, लगातार सुबह से इस पर आपको कवरेज दिखा रहे हैं, सिवान के अलग अलग जगहों से दिखाने का प्रयास करेंगे कि सिवान में क्या स्थिति।